नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूँ, सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। कांग्रेस को आज बहुत बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और राहुल गांधी के बेहद करीबी जतिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि जतिन प्रसाद के बीजेपी में आने से बीजेपी को कोई फायदा या कोई अच्छी बात होती है नहीं, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस को नुकसान जरूर होगा। अब कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना ही बीजेपी का मकसद भी है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी इसे इस्तेमाल ठीक से कर पाएगी। पार्टी की सदस्यता लेने से पहले जतिन प्रसाद ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास से मुलाकात की, और पार्टी की सदस्यता लेने के बाद जतिन ने कांग्रेस पे तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि केवल और केवल बीजेपी ही देश हित में काम करने वाली पार्टी है, बाकी दल व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए हैं। राष्ट्रीय दल के नाम पे देश में अगर कोई पार्टी है तो वो है सिर्फ बीजेपी। जतिन प्रसाद ने काफी स्टाइलिश कमेंट शेयर किया है बीजेपी ज्वाइनिंग के बाद, और वो कहते हैं कि ये मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। उन्होंने ये भी ऐड किया कि सवाल ये नहीं है कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूँ, सवाल ये है कि मैं किस दल में जा रहा हूँ और मैं क्यों जा रहा हूँ। कुछ सालों से ये महसूस किया जा रहा है कि आज देश में असली मायने में कोई राजनीतिक दल है तो वो है राष्ट्रीय दल बीजेपी। उनके जीवन में अध्याय शुरू तो हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अध्याय इसका एक पृष्ठ पहले भी खुल चुका है उनके पिता के मौसम में। वो कहते हैं ना कि राजनीति अक्सर इतिहास को दोहराता है, राजनीति में अक्सर इतिहास दोहराया जाता है। जतिन प्रसाद की बीजेपी में एंट्री के साथ ही कांग्रेस से उनके परिवार के रिश्तों का इतिहास एक बार फिर से दोहराया गया है। जतिन के पिता जितेंद्र प्रसाद 2000 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में बगावत करते हुए सोनिया के खिलाफ उतरे थे। सोनिया से उनका टकराव हो रहा था। अब 21 साल के बाद उनके बेटे ने कांग्रेस को करारा झटका दिया है। 47 वर्षीय जितिन प्रसाद ने ऐसे वक्त पे बीजेपी का दामन थामा है जब अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस के आंतरिक सूत्रों ने उनके पार्टी छोड़ने को लेकर के कहा है कि लंबे समय से वो प्रदेश नेतृत्व से नाराज चले रहे थे, खासतौर पर अपने जिले शाहजहांपुर को लेकर के वो खासे नाराज थे। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद का नाम उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में शुमार है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि जितिन कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में आ सकते हैं, लेकिन तब ऐसा हो नहीं पाया था। जितिन प्रसाद दोरहा लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा उनके पास केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी रही। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि प्रियंका गांधी के आने के बाद से ही जितिन प्रसाद को साइडलाइन किया गया, उनका कद छोटा कर दिया गया, पार्टी के कार्यकर्ताओं में उनको कम तवज्जो मिलती थी। हालांकि जतिन ने कभी खुल के इसको स्वीकार नहीं करा, कभी जाहिर नहीं किया, कभी इसका दिखावा नहीं किया। इन हार के पीछे उनकी दूरी को बड़ा कारण माना जाता है। जतिन का कद कांग्रेस में काफी बड़ा रहा है, वे राहुल गांधी के काफी करीबी रहे हैं, बंगाल के प्रभारी थे अभी हाल ही में, और इसके बावजूद आम लोगों में उनकी ख्याति दिनों दिन कम होती जा रही थी। राजनीतिक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जतिन के आने से बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। वह इसलिए क्योंकि एक समय लगातार हार का सामना कर रही कांग्रेस को जतिन ने ही पश्चिमी यूपी में खड़ा किया था। वह कांग्रेस के लिए एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर थे। तो दोस्तों, ये थी जतिन प्रसाद से जुड़ी हुई खबर। मैं इससे जुड़े हुए और अपडेट्स आपको देती रहूंगी। आप देखते रहिए मेरा चैनल एमबी स्पीक्स और देते रहिए अपनी कीमती राय मेरे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, पहली बार आए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।